डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पिछले क्लास तक के बहुलक नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे, जो कि हम लोगों का ख़त्म हो गया बहुलक। ठीक है, अब आइए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बहुत खुशी का बात यह है कि हम लोगों का केमिस्ट्री में तीन भाग है। पहला का नाम है भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो कुल मिलाकर हम एक भौतिकी रसायन को तो पहले ही ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद अभी जो हम लोग चल रहे थे वो कार्बनिक रसायन को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इस कार्बनिक रसायन के चैप्टर में टोटल कार्बनिक रसायन एक खंड हुआ ना, इस खंड में आपको जानना चाहिए कि टोटल 8 गो चैप्टर है। ठीक है, अब इस 8 गो चैप्टर में से हम लोगों ने 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है फुल्ली, यानी कि 7वां नंबर चैप्टर है कार्बनिक रसायन वाले खंड का बहुलक। तो हम लोग पिछले क्लास तक के बहुलक को अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें, कौन किसका बहुलक है ये सवाल आता है। नायलोन 6-6 का बहुलक, प्राकृतिक रबर का बहुलक, आखिर क्या होता है ब्यूना एस रबर, क्या होता है ब्यूना एन रबर, वो कैसे बनाए जाते हैं, उनका मैकेनिज्म, उनका स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि 12th केमिस्ट्री में हम लोग अभी भी कार्बनिक रसायन को पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन। और इस कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और इस कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर में हम लोगों को टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें 7 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। और आइए अगले चैप्टर पढ़ते हैं, 8वां चैप्टर, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। क्या नाम है? दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन, ये हम लोगों का टॉपिक्स चैप्टर है, 8वां चैप्टर। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। और इस चैप्टर का अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर दैनिक जीवन में रसायन का मतलब क्या है। तो आप समझो, दैनिक जीवन, दैनिक का मतलब रोज, आपके जिंदगी का रोज, ऐसा डेली का पल जिसमें आप रसायन से जुड़े हुए हैं, रसायन का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे चैप्टर भी बन गया कि कोई भी व्यक्ति दैनिक जीवन में अपना रेगुलर पर डे कहीं ना कहीं वो रसायन का इस्तेमाल करता है। अब वो क्यों करता है? तो अपने आप को बचाने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। जैसे मान लिया कि हमारे अंदर कुछ छिल कट जाता है शरीर में, तो अपने आप जो है से कि ब्लड बहते बहते थोड़ा बहुत अगर कट जाता है तो रुक जाता है, और फिर काला रंग का ऊपर से परत जम जाता है, जिसको खोटा खोटी कहते हैं, वो अगर निकल जाता है फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में डेली रसायन का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि हम लोग के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कायम रहता है। अगर मान लिया कि कोई अभी अभी कोरोना वाला जो मामला आप सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का है जो कोरोना पॉजिटिव तो पाए गए हैं, लेकिन सिंपली कुछ दिन के बाद अपने आप को एडजस्टमेंट या फिर विटामिन सी की गोली, या फिर कितने लोग तो कुछ खाए भी नहीं है, लेकिन फिर 15-20 दिन के बाद चेकअप कराएं तो उनका टेस्ट जो है निगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उनमें वो क्षमता है अंदर में कि जो भी वायरस से लड़ सकते हैं, उनको बिना कोई रसायन से टैबलेट यूज किए ही उसको मार सकते हैं, तो फिर उनका निगेटिव आ जा रहा है। तो इस तरह से अभी अगर बात किया जाए, एक न्यूज के तौर पे बता रहे हैं कि अभी दिल्ली में जो कोरोना का मामला बढ़ रहा था दिन प्रतिदिन, अब वहाँ पे सुकून सा एक न्यूज मिला है कि वहाँ पे जो रिकवरी रेट है, मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मामले में ठीक हो रहे हैं, यानी कि बढ़ने की अपेक्षा, यानी कि बढ़ कम रहा है वहाँ पे, ठीक लोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए और हमारे देश के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो यहाँ से हम लोग भटक गए थे, हम लोग को पढ़ना तो है दैनिक जीवन में, कोरोना वाला तो है ही है, रोज सुनते दिन बीत रहा है। तो चलिए, दैनिक जीवन में रसायन,
ये है क्या, सबसे पहले इसके बारे में ही एरो देंगे। यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं, अगर कोई टॉपिक नहीं रहेगा तो समझिए कि जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, लिखा जाए वातावरणीय प्रदूषण, वातावरणीय प्रदूषण कॉमा बैक्टीरियल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण कॉमा खाद्य पदार्थों में मिलावट कॉमा अनियमितता, अनियमितता से, अनियमितता से मानव शरीर में, अनियमितता से मानव शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है जिसे रोकने के लिए, जिसे रोकने के लिए जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है उसे, उसे औषधि कहा जाता है, उसे औषधि कहा जाता है जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन जीवनचर्या में करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवनचर्या में करते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले ये चैप्टर के से रिलेटेड बात था, तो आपको जानना चाहिए कि आखिर दैनिक जीवन में रसायन का मतलब क्या है। तो वातावरण जो में जो प्रदूषण फैल रहा है, बैक्टीरिया संक्रमण संक्रमण हो रहा है, जो हम लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट डाल रहे हैं, जैसे अभी अब सीखे ना हम लोग कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए हरी सब्जी साग सब्जी भी खा रहे हैं हम लोग, उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल डाला जा रहा है, तो इस तरीके से मानव शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। वायुमंडल प्रदूषण हो रहा है इसके वजह से, खाद्य खाना पीना ढंग से नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो उसमें कई तरह का मिलावट आ रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे, बीमारियां होंगी, और इसी बीमारी को रोकने के लिए एक रसायन का प्रयोग करते हैं और उसी रसायन को हम लोग औषधि कहते हैं, दवा कहते हैं, दवाई कहते हैं। और इस औषधि का उपयोग लगभग मेरे हिसाब से कि पूरे 99% लोग इसको कर रहे हैं, सिवाय हम इसको बोल रहे हैं कि इसी औषधि का हम लोग उपयोग करते हैं अपने जीवन दैनिक जीवनचर्या में। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेंगे कि आखिर हम लोगों का सर दर्द करेगा तो उसके लिए कौन सा औषधि इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल में लिखा जाए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल पहला, सर दर्द के लिए, सर दर्द के लिए ऐसे लिखिएगा, पहला एग्जाम्पल सर दर्द के लिए एस्प्रिन, एस्प्रिन याद रखिएगा, ये सब क्या है, औषधि का नाम है, दवाई का नाम है। जिस व्यक्ति को अगर सर दर्द करेगा वो क्या खाएगा, एस्प्रिन नामक औषधि खाएगा जो कहीं ना कहीं रसायन से बना हुआ है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, पेट दर्द के लिए एंटासिड, एंटासिड जी हाँ, दूसरा हम लोग लिखेंगे कि अगर पेट दर्द होगा तो हम लोग क्या खाएंगे, एंटासिड। फिर लिखा जाए तीसरा, चीर फाड़ के लिए, चीर फाड़ के पीड़ा के लिए, पीड़ा के लिए बेहोशी,
देखिए, अब जो जैसे मान लिया कि हम लोगों को कभी कभी घाव को चीरना फाड़ना हो सकता है, उसके अंदर का जितना कचरा है उसको निकालने के लिए एक्चुअली क्या किया जाता है, उसको घाव को चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, और फाड़ने से जो दर्द उत्पन्न होता है उस दर्द को कम करने के लिए हम लोग बेहोशी का सुई लेते हैं, बेहोशी का दवा लेते हैं, ताकि अगर जिस व्यक्ति को ऑपरेशन करना हो, घाव को चीरना हो, तब वो क्या रहे, बिल्कुल उसका बॉडी उस जगह का सुन्न हो जाए। तो इसीलिए लिखा गया कि चीर फाड़ फाड़ के लिए, पीड़ा के लिए हम लोग क्या कर सकते, बेहोशी ला सकते हैं उसको, और बेहोशी ला कर ही उसको हम लोग चीर फाड़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ टॉपिक समझेंगे हम लोग, एंटासिड के बारे में पढ़ना है फिर, तो अब टॉपिक बनाएंगे नेक्स्ट, एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड, अब ये एंटासिड क्या है, ये कैसे होता है, ये इसका काम क्या है। सबसे पहले एंटासिड का नाम आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अगर हमारे पेट में HCL की मात्रा अधिक हो जाती है तब हम उसको एसिडिटी कहते हैं, यानी कि एसिडिटी का मतलब होता है पेट का, हमारा जो पेट है वो फूल जाता है, यानी कि गैस हो जाता है कुल मिलाकर देखा जाए तो। और उसी एसिडिटी को, उसी पेट में जलन को, पेट में जो फुलाव आ गया है, गैस भर गया है, उसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटासिड। ठीक है, तो खैर सबसे पहले एरो दिया जाए, एंटासिड में लिखा जाए पेट में उत्पन्न होने वाली HCL की मात्रा, पेट में उत्पन्न होने वाली HCL की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर, सामान्य से अधिक होने पर, सामान्य से अधिक होने पर पेट में अम्लीयता या पेट में अम्लीयता या गैस की शिकायत होती है, गैस की शिकायत होती है, कॉमा कॉमा इसे दूर करने के लिए, इसे दूर करने के लिए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे एंटासिड कहते हैं, उसे एंटासिड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब एंटासिड क्या है भाई, इस एंटासिड के बारे में आपको जानना चाहिए कि एंटासिड क्या है। तो एंटासिड एक तरह का औषधि है, एक तरह का दवा है, जो काम किस में करता है, हमारे पेट के लिए। अगर पेट में ज़्यादा जलन हो रहा है, पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेट हमारा फूला हुआ है, गैस की शिकायत है, तब आप किस दवाई का इस्तेमाल करेंगे, एंटासिड का। अब ये एंटासिड दवा है ना, तो उस रोग किस रोग में काम करता है, तो उस रोग का नाम है एसीडीटी, एसीडीटी। अब एसीडीटी रोग किसको कहते हैं, जिसको गैस का शिकायत हो, जिसको हमेशा पेट दर्द करता रहता हो, पेट में जलन हो, है ना, तब उसको कहते हैं एसिडिटी हो गया है। और यही एसिडिटी को ठीक करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एसिडिटी होता कैसे है, सबसे बहुत बड़ी बात, जो एसिडिटी है दोस्त, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को
तेल वाले तैलीय भोजन करने पर, जैसे पुआ, पकवान, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब तेल वाले जो पदार्थ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पे होते क्या हैं कि हमारे पेट में जो HCL की मात्रा स्रावित होते रहती है, तेल वाले भोजन, तैलीय भोजन के वजह से हमारा पेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा HCL उत्सर्जित करने लगा, अधिक से अधिक। तो जब अधिक से अधिक उत्सर्जित करने लगा हम लोगों का HCL, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि हमको एसिडिटी हो गया, और इसका पहचान है कि गैस जैसा महसूस होना, पेट दर्द करना, पेट में जलन होना, दर्द होना, ये सब सारा, तब हम उसको एसिडिटी कहेंगे। और एसिडिटी का शिकायत होगा तो हम लोग कौन सा रोग उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो एंटासिड की गोली देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एंटासिड क्या है, क्षार है। तो इसको भी नेक्स्ट एरो में करके लिखा जाए, एंटासिड मूलतः क्षारीय होते हैं, एंटासिड मूलतः क्षारीय होते हैं, जैसे जैसे मैं करके लिखिएगा, जैसे पहला MgOH का हॉल टू, हॉल टू, MgOH का हॉल टू, ये भी क्या है, एंटासिड ही है। दूसरा AlOH का हॉल थ्री, और तीसरा NaHCO3। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इस तीनों को किस कैटेगरीज में रखा गया है, तो इसको रखा गया है एंटासिड के कैटेगरीज में। और ये भी याद रखिएगा, एंटासिड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एंटासिड हम लोगों का ख़त्म हो गया। अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग एनाल्जेसिक के बारे में, तो टॉपिक बना देंगे एनाल्जेसिक, टॉपिक बना देंगे एनाल्जेसिक, ठीक है। तो दोस्तों अगले दिन एनाल्जेसिक के बारे में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।